मैं आपको बता दूं कि अभी भी मेरी फ्रेंड जो है हबीबी, अलबी के मम्मी पापा सिमरा, वो लोग घर पे पहुंचे हैं, बच्चों की न्यू ड्रेसेस पहनाई हैं और पूरा केक काटा है। और प्लीज वो वीडियो देख लो। हैप्पी बर्थडे मामा। संभावना आपके बच्चों की छोटी सी पार्टी हो रही है विद अ डॉगी केक व्हिच इज सेफ एंड बेस्ट फॉर देम। वी आर मिसिंग यू अविनाश। हाँ बहुत पहले से। अब हम लोग इधर कोने में पड़े रहेंगे। नहीं नहीं बहुत कुछ है, अभी हम लोग ऊपर भी जाएंगे, ऊपर बैठेंगे और तुम्हारी कॉफी भी आ गई है। तुमने वहाँ से स्टारबक्स से मंगाई है मेरी कॉफी? हाँ। आई तुमने ये सब अरेंजमेंट कैसे कराए? ये तो बड़े मुश्किल थे। एक दोस्त की मदद से। थैंक यू दोस्त। अच्छा लगा तुम्हें आइडिया? चलो ऊपर चलते हैं, सनसेट देखेंगे। सनसेट देखेंगे। चीजें तो बहुत खरीद लेती लेकिन ये एक्सपीरियंस मुझे नहीं मिलता बेबी। तो बहुत दुखी लग रही हो? नहीं इमोशनल। तो जी अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर, ऊपर ही थोड़ी देर बैठेंगे। तुम्हारा चश्मा लाऊं क्या? नहीं ये बेस्ट है बेबी। हैं? अरे यो ही ना बात, बेबी पूरे बलून सजाए हुए हैं। हाँ तो हम आगे भी बैठ लेट सकते हैं उसमें, पता जाके है। हाँ वो इसीलिए तो गद्दे पीछे हैं। तो उनको वहाँ जाने के लिए क्या करना है? वहाँ जाने कुछ नहीं करना, इसके ऊपर से उतर जाना है। साइड साइड से जाना है, साइड से रास्ता है। हाँ तो वहाँ बैठेंगे ना बेबी। चलो फिर। लेकिन नीचे गिर तो नहीं जाएंगे हम, यहीं बैठते हैं। मेरे को लग रहा है थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। हाँ, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे। हाँ, चलो पहले थोड़ी देर बेडरूम में बैठेंगे। हाँ हाँ ठीक है चलो। तो अविनाश नीचे कॉफी लेने के लिए गया है मेरी, और मैं बता दूँ अपने एक्चुअली रियल इमोशन ज़्यादा अविनाश के सामने बोलना नहीं चाहती, लेकिन आई लव इट। क्या होता है ना, आप चीज़ें तो कितनी सारी खरीद लेते हो, गिफ्ट का तो किसी को, हर किसी को शौक होता ही है। मुझे पता है दुआई आए तो कुछ ना कुछ ले ही लेंगे, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये आपको मतलब लाइफ टाइम के एक्सपीरियंस है। मुझे हमेशा याद रहेगा कि मेरा बर्थडे कभी ऐसे भी सेलिब्रेट हुआ था। यू नो आगे की एज में जाके जब देखेगा तो बहुत अच्छा लगता है। दीज आर लाइक, कई बार चीज़ें आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, सिर्फ एक्सपीरियंस करते हो, ये वही है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो। और आई थिंक अभी जैसे ही ये चलेगी तब ज़्यादा मज़ा आएगा, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा, ऐसा सुकून आ गया। आई मीन आई डोंट लाइक जो बर्थडे बहुत हंगामे वाले पार्टीज हो, सब इकट्ठे हुए हैं, वो भी टाइम था, लेकिन नाउ आई डोंट एंजॉय ऑल दैट। मुझे अच्छा लगता है जैसे अविनाश और मेरे साथ में, बस ज़्यादा मुझे मतलब पार्टी डांस ये सब नहीं पसंद है। तो अविनाश ने आई थिंक एग्जैक्ट वही चीज़ करी है जो मैं एक्चुअली सोच भी नहीं सकती थी, अकेले दोनों को सोच सकती थी, लेकिन ये सब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। ये सब इतना कुछ, ऐसी तैयारियाँ मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। ये देखो इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अविनाश जब एडिट करेगा तब ये देखेगा पार्ट। यहाँ पे अविनाश ले आया हमारी कॉफी। ये तो वहाँ भी लेट के पी सकते हैं। नहीं बेबी वो थोड़ा मेरे को ज्यादा वो लग रहा है, रिस्की लग रहा है। हाँ रिस्की लग रहा है, सेटल हो जाने देते हैं। वी कैन गो देयर आल्सो लेटर, नाउ ओनली। चलो फिर चलो वहाँ चलते हैं। तो जी हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग आगे जाके ही बैठेंगे। मैं निकल चला हूँ, मेरी बेबी पीछे पीछे आ रही है। ध्यान से बेबी। अरे मैं अड़ गई। अरे यहाँ तो मजा ही आ जाएगा जिंदगी का। वाओ हैप्पी बर्थडे बेबी, आ जाओ। वाह ये बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वाह अरे वाह जी वाह, मजा आ गया। ये कोई ना बात, आज आया रियल मजा है ना। हाँ ये देखो व्हाट आई रियली लव है ना। अरे यार मैंने एक्चुअली पहले ऐसा किया भी नहीं है, इसलिए भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। नई चीज में समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, जल्दी से पी लेते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कॉफी है, जल्दी से पी लेते हैं नहीं तो ठंडी हो जाएगी। पी के देखो ठंडी हो चुकी।
सही है, परफेक्ट, चलो परफेक्ट बेबी पियो, चेस करेंगे दोनों, खोल मैं खोलती हूं। तो जी ये हो गया चीयर आप लोगों के लिए मेरी। हां चीयर, परफेक्ट कॉफी, सब कुछ परफेक्ट, एकदम गरम मिली क्योंकि यॉट में मिलती नहीं है तो हमको बाहर से मंगानी पड़ी, लेकिन सही टाइम पे बोल के रखा था। हां सही टाइम पे आई और गरम आई, ये अच्छा है। लव्ड इट दोस्तों, आपको मिलते हैं 5 मिनट में, थोड़ा एंजॉय कर लें। लग रहा है ये, कितना अच्छा लग रहा है। पिछले 40 मिनट से हम लोग दोनों यॉट पे हैं और बस पानी और हम सिर्फ बहते जा रहे हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है। दोस्तों ये हो रहा है सनसेट, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, ये देख लो बिल्कुल सन बेबी, देखो एकदम नीचे जा चुका है और ये आ चुका है मेरी बेबी का केक। जल्दी से केक काट लेते अपना सनसेट से पहले। चलो 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 चलो। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर संभावना, हैप्पी बर्थडे टू मी। ये केक आप लोगों के लिए जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच गाइस। दोस्तों आप थोड़ी देर के लिए व्लॉगिंग बंद करेंगे, केक कट गया है, सनसेट देख लिया गया, सनसेट रिकॉर्ड कर लिया गया, अब जो है कम से कम 40 मिनट्स मैं और मेरी बेबी के साथ में, सारे कैमरास बंद, सारे फोन्स बंद है बेबी। आपको मिलते हैं अब जब हम यॉट से उतरेंगे तब। तो जी हमारी राइड खत्म हो चुकी है, हम लोग उतर चुके हैं यॉट से, एंड दैट्स पीटर। पीटर थैंक यू सो मच, द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा था, डेकोरेशन एवरीथिंग वाज अमेजिंग, थैंक यू सो मच। सारी नौटंकी करके जूते वूते उतार दिए हमने और चप्पलों में आ गए, ये यॉर्ड को बर्थडे मना के आ रहे हैं। अरे भाई रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, किसको दिखाना है, कौन ही हमें अवार्ड दे रहा है वो सैंडल पहनने का और जूते पहनने का, चप्पलों में घूमो। मेरे को पहले तो वो मेडिकल स्टोर पे पट्टियां भी लेनी है, पट्टी बांधनी है, पट्टी बांधने की नौबत आ गई है। मुझे ये एक प्रोडक्ट लेना था बेनिफिट का, वो मैंने ले लिया है, बेसिकली आईब्रो वगैरह के लिए चाहिए क्योंकि मेरे को आईब्रो पैलेट चाहिए थी, तो इसमें 3 चीजें मेरे को मिल रही है, ये मैं ले रही हूँ। तो जी जो घर से सुबह स्टाइल मार के निकले थे उनके पैर छिल गए, बैंडेज खरीद रहे हैं, ये आए घूमने के लिए। अरे ऐसे जख्मी आदमी का क्या मतलब भाई घूमने का, दुबई जख्मी होने आए थे क्या? अरे ये तो होता ही है, मैं जितनी बार दुबई आती हूँ ना उतनी बार मेरे साथ ही होता है, इनफैक्ट इस बार तो कम घूम रही हूँ, पहले जो हमारी हालत हुई हुई है याद करो तो खरीदा कुछ नहीं। हाँ मतलब इंडिया से आके यहाँ भी विंडो शॉपिंग, अभी तो खरीदा नहीं, अभी खरीदेंगे। एक्चुअली दोस्तों कल ही हमें हमारे होटल से पता चला है कि यहाँ पर जो डिस्काउंट शुरू हो रहा है वो उस दिन शुरू हो रहा है न्यू ईयर का, न्यू ईयर की भारी सेल शुरू हो रही है हर मॉल में, लेकिन वो उस दिन हो रही है जिस दिन हमारी वापसी की फ्लाइट है। तो अब हमें इतना बुरा लग रहा है कि यार अगर हम चीज़ें खरीद लें और उसके अगले दिन वो 50% होने वाली है तो मन ही नहीं मान रहा, अगर पहले पता होता तो अब थोड़ा सा लेट आते 3-4 दिन और 2-4 दिन फ़ायदा उठा लेते सेल का। कैन यू जस्ट वेव योर हैंड, पता नहीं मैं इसी कैब में हूँ। दिस कार मैं ही लेके आया हूँ ना कार, अच्छा, मुझे ढूंढ रही हो? हाँ मैंने कहा पता नहीं कहाँ गया। हाँ सब कुछ ले लिया ना? हाँ ले लिया। तो जी हम लोग वापस आ गए हैं, चेंज वगैरह कर लेते हैं फिर आपको मिलते हैं। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, थोड़ी देर में आपको मिलते हैं। अरे अरे ये अरे रे 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 ये क्या है? यहाँ होटल से केक आया छोटा सा भाई, दिखाओ जरा। This is so cute. होटल से केक आया है, ये भी कुछ है। Happy birthday संभावना, खजूर चॉकलेट चाहिए, खजूर खजूर हबीबी, come to Dubai, birthday in Dubai. रखो भाई होटल से भेजा यार। Thank you so much JW Marriott and there are some more macaroons. Baby दिखाना। अरे हबीबी there is macaroons. ये देख लो जी,
मैकरून्स भी आए हैं, खजूर भी आए हैं, केक भी आया है। कल हमारे एक दोस्त ने रात को ठीक 12 बजे केक भेजा अविनाश 2.0 और इतना बड़ा केक भेजा, इतना बड़ा कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर रूम का है उसमें आ ही नहीं पाया, तो दूसरा रेफ्रिजरेटर मंगवाया इतना बड़ा केक रखने के लिए। ओ बेचारा केक भी टेढ़ा हो गया। सुबह सुबह जाना था इसलिए केक का कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अब जो है ये केक कटेगा और हम लोग खाएंगे। अरे बाबा, अरे अरे अरे, ये अरे दिस इज द केक निकालना में भी। सो ये रहा बहुत खूबसूरत केक है भाई, फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच अविनाश केक भेजने के लिए, दिस वाज सो थॉटफुल ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दिस। बहुत ही प्यारा केक है ये, देखो। वापस आएंगे और फिर पार्टी करेंगे डिनर। कहाँ से वापस आएंगे? मतलब वापस जब हम लोग जाएंगे दुबई से, वो तो इंडिया में ही होगा ना। अच्छा अविनाश को बोल रही हो? हाँ। मम्मी मेरा बर्थडे है आज। हाँ तो मेरे को विश तो करो। अरे एक बार अच्छे से बोलो हैप्पी बर्थडे टू मी। बोलो मम्मी। हंसते हुए देख रहे हो, हंसते हुए देख रहे हो मेरे को। हैप्पी बर्थडे कौन बोलेगा? जल्दी दादी को बोलो हैप्पी बर्थडे करे मेरे को। मम्मी मैं कितने साल की हो गई? मैं बताऊं। ए चुप, खबरदार जो बुआ की एज बताई तो। बुआ इज स्वीट 16। स्वीट 16, ओके बुआ। मम्मा आपकी बेटी 16 साल की हो गई है। मैं आपको बता दूं कि अभी भी मेरी फ्रेंड जो है हबीबी, अलबी के मम्मी पापा सिमरा, वो लोग घर पे पहुंचे हैं, बच्चों की न्यू ड्रेसेस पहनाई हैं और पूरा केक काटा है, और प्लीज वो वीडियो देख लो। हैप्पी बर्थडे मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मामला आपके बच्चों की छोटी सी पार्टी हो रही है विद अ डॉगी केक व्हिच इज सेफ एंड बेस्ट फॉर देम। वी आर मिसिंग यू एंड अविनाश कैंडी। हाय बेटा, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे दीदी। सिमरा यार, यार तुम लोग क्या हो, क्या करते हो यार? आई मीन आई हैव नो वर्ड्स यार। मेरा बर्थडे इतना स्पेशल कर दिया तुम लोगों ने। आई एम नॉट देयर विद माय बच्चास, लेकिन तुम लोगों ने वो कमी पूरी कर दी सिमरा। आई विल नेवर फॉरगेट दिस। तुम लोग ना हमको ऐसा ऋणी कर देते हो यार लाइफ में। इसके आगे कुछ नहीं बचता, इसके आगे हमारे पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए। मतलब थैंक यू तो एक बहुत ही छोटा सा शब्द है। आई डोंट नो हाउ टू यू नो इवन एक्सप्रेस माई सेल्फ कि मैं क्या फील कर रही हूँ इस समय। तुम दोनों को यार, तुम दोनों यार, गॉड ब्लेस यू दोनों के लिए। अलबी के मम्मी पापा, हबीबी के मम्मी पापा, आई लव यू गाइस। इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन से हमारी वीडियो कॉल पे बच्चों से बात क्यों नहीं हो पा रही थी। द थिंग इज कि दुबई में व्हाट्सएप कॉल जो है बैन है, मतलब वीडियो कॉल और वॉइस कॉल। तो फेस टाइम पे बात करनी थी, फेस टाइम सिर्फ आईफोन में चलता है, अमिता के पास तो आईफोन है नहीं। तो जी जन्मदिन पे बहुत जल्दी सो रहे हैं क्योंकि बहुत घूम लिए, बहुत थक गए और रिलैक्स करना जरूरी है। मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, संभावना जा रही है सोने। आप लोग को मिलते हैं कल। टिल देन गुड नाइट एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर बर्थडे विशेस। योर बर्थडे विश? माय बर्थडे विशेस नहीं, सही था। योर बर्थडे विशेस मतलब आप लोगों ने जो विश किया मेरे को इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।